क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं. द लेंथ ब्रीथ एंड वेट ऑफ अ ब्रास प्लेट विथ स्क्वायर बेस आर x सेंटीमीटर एंड 1 mm एंड 4725 gm रेस्पेक्टिवली. इफ द वेट ऑफ 1 cubic डेसी सेंटीमीटर ब्रास इज 8.4 grams देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ x. हमको जो है वो वैल्यू ऑफ x जो है वो निकालना है. सबसे पहले इसका जो हम डायग्राम देख लेते हैं कि हमारा जो है ये क्या है, किस तरह का बॉक्स है. तो बॉक्स जो है वो हमारा क्यूबॉइडल बॉक्स है. यहाँ पे हम क्यूबॉइडल बॉक्स जो है वो बना लेते हैं. इसका जो है हमारा लेंथ ब्रीथ एंड हाइट जो है वो सॉरी लेंथ ब्रीथ एंड वेट ऑफ अ ब्रास प्लेट ये हमारा दिया हुआ है. तो ये आपका लेंथ कितना है, ब्रीथ कितना है एंड आपका वेट कितना है. वेट ऑफ अ ब्रास ये कितना है ये दिया हुआ है. लेंथ जो है वो हमारा दिया हुआ है x सेंटीमीटर, ब्रीथ जो है वो लिखा हुआ है 1 mm एंड वेट जो है वो हमारा दिया हुआ है. तो वेट दिया हुआ है आपका 4725 gm ग्राम, ठीक है. और क्या हुआ है आपका वेट ऑफ 1 cubic डेसी सेंटीमीटर ब्रास ये आपका दिया हुआ है 8.4 ग्राम. तो आपको वॉल्यू ऑफ आपका लेंथ का जो है वो लेंथ जो है आपको फाइंड आउट करना है कि इसका लेंथ जो है वो क्या होगा. तो ये निकालने के लिए सबसे पहले हम आपका जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपका हो जाता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. ये आपका वॉल्यूम हो जाता है. अब यहाँ पे से आप निकाल लो एरिया ऑफ अ प्लेट, ये क्या निकल जाएगा, ये आपका लेंथ दिया हुआ है, नीचे स्क्वायर फॉर्म में है. तो आपका स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड इनटू साइड हो जाता है. तो यहाँ पे एरिया ऑफ प्लेट ये स्क्वायर फॉर्म में है तो आपका क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है. और आपका जो है वो ब्रीथ कितना दिया हुआ है तो 1 mm दिया हुआ है. 1 centimeter इज इक्वल्स टू 10 mm होता है. और अगर आप mm को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो आपको 10 से जो है वो 1 mm को अगर आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 1 upon 10 से जो सॉरी 10 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा. तो यहाँ से आ जाएगा 0.1 centimeter. तो एरिया ऑफ बेस हो गया एक्स स्क्वायर और ब्रीथ आ गया आपका 0.1 centimeter. तो आपका वॉल्यूम यहाँ से निकल जाएगा एरिया ऑफ बेस इज इनटू हाइट. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर इनटू 0.1. ये आपका आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ प्लेट. तो जो आपका वॉल्यूम ऑफ प्लेट होगा वो वेट ऑफ अ प्लेट के जो है वो इक्वल ही होगा. तो यहाँ से देख लेते हैं कि हमारा यहाँ से आपका दिया हुआ है कि द वेट ऑफ 1 centimeter cube प्लेट इज इक्वल्स टू 8.4. तो यहाँ से द वेट ऑफ 1 centimeter square का जो है वो आपका वेट दिया हुआ है 8.4. तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा वेट, द वेट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 10 centimeter square प्लेट इज इक्वल्स टू क्या हो गया 8.4. क्योंकि 1 centimeter आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपका 1 centimeter एक क्यूबिक सेंटीमीटर का जो है ब्रास का जो है वो वेट दिया हुआ इतना. तो पूरा वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा, तो इतना इनटू
8 square upon 10 ग्राम, ये आपका ये वेट हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये जो वेट है वो किसके बराबर है, बाय कंडीशन या बाय क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि इसका जो है वेट है वो आपका 4725 के जो है वो बराबर है। तो यहाँ से आप जो है वो सॉल्व कर लो कि एक्स स्क्वायर क्या होगा, 4725 इंटू आपका यहाँ पे सेंटीमीटर को हमने क्या किया तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा तो ये आपका 100 हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट मैंने हटा दिया तो यहाँ पे एक पहले से जीरो था, ये पॉइंट हट गया तो एक और जीरो बढ़ गया, तो ये आपका 100 हो जाएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा 84, ये हो जाएगा अंडर रूट अगर आप एक्स स्क्वायर हटा दोगे तो। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट, इसको इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5625, और इसका स्क्वायर रूट 5625 का स्क्वायर रूट आपका आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ से द वॉल्यूम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर जो है वो आएगा। मैं ये क्वेश्चन फिर से आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे आपका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट जो है वो दिया हुआ है, तो यहाँ से जो वॉल्यूम है वो एक सेंटीमीटर स्क्वायर का जो है वो वैल्यू दिया हुआ है आपका 84, तो ये पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा तो 8.4 का एक्स स्क्वायर अपॉन 10 वॉल्यूम पूरा, और यही जो है वो इतना दिया। इस तरह से करके आप इसका जो है वो एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। 14 देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। द हाइट ऑफ अ चंदमारी रोड इज टू बी राइज्ड, सो 30 क्यूबॉइडल होल्स विथ इक्वल डेप्थ एंड ऑफ इक्वल मेजर आर डग आउट ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ रोड एंड विद द सॉइल द रोड इज एलिवेटेड। If the length and breadth of each holes are 14 meter and 8 meter respectively, and if the total length of soil required to make the road be 2520 cubic meter, then let us calculate the depth of each holes. Means आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक चंदाली का जो है वो रोड है, ये आपका चंदाली का रोड हो गया, और इसको जो है ये रोड को है जो है और ऊंचा किया गया है, और ऊंचा करने के लिए इसके दोनों साइड जो है वो क्या किया गया है तो गड्ढा जो है वो क्यूबॉइडिकल गड्ढा जो है वो आपका डिग किया गया है, मीन्स खोदा गया है। और ऐसा कितना जो है वो गड्ढा खोदा गया है तो ऐसा 30 गड्ढा जो है आपका खोदा गया है। तो आपको ये बोल रहा है कि अगर 30 गड्ढा ईस्ट साइड जो है वो खोदा गया है, और वही गड्ढा खोदकर उसका मिट्टी का जो है आपको रोड के ऊपर जो है वो आपको इंक्रीज़ किया गया है, रोड को बढ़ाया गया है, तो आपका जो है वो हाइट ऑफ कितना नीचे जो है वो गड्ढा जो है वो खोदा गया, हाइट ऑफ डेप्थ है वो क्या होगा। तो यहाँ से देख लीजिए, आपका लेंथ जो है वो क्यूबॉइडिकल जो है वो गड्ढा खोदा गया है, तो आप क्यूबॉइडिकल एक फॉर्म का जो है वो गड्ढा जो है वो बना लीजिए। यहाँ पे जो है लेंथ उसका जो है वो हो गया आपका 14 मीटर, ब्रेथ जो है वो हो गया 8 मीटर, और हाइट जो है वो हमें पता नहीं है, इसी को हमको फाइंड आउट करना है। और इसका जो सॉइल है, ये पूरा सॉइल मतलब जितना जो है वो आपका मिट्टी निकाला गया वो सारा जो है वो वॉल्यूम जो होगा जितना मिट्टी निकला वही जो है वो पूरा मिट्टी जो है वो चंदाली के रोड पे जो है वो ऊपर से जो है वो ऊपर करने के लिए उसको जो है उस पर छीटा गया होगा। तो जितना आपका मिट्टी निकाला गया होगा वो उतना ही निकाला गया होगा जितना वॉल्यूम वो सारा जो है वो क्यूबॉइडिकल जो है वो गड्ढे में जो है वो अटेगा। तो जितना आपका मिट्टी होगा उतना जो है आपका टोटल वॉल्यूम होगा आपका 30 जो है क्यूबॉइडिकल गड्ढे का। ये आप बस यही आपका इस क्वेश्चन का जो है वो ट्रिक है। तो यहाँ से आपका हो जाता है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट होता है, ठीक है। तो ये जो है वो
आपका जितना जितना मिट्टी आपका एक क्यूबॉइडिकल बॉक्स में होगा वो वॉल्यूम ये है, और ऐसा ऐसा कितना जो है वो मिट्टी होगा तो वॉल्यूम ऑफ 30 सच होल्स इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट इनटू 30। और यही जो है ये सारा मिट्टी जो है वो डाला गया है आपका रोड पे। तो यहाँ से आप लिख लो कि द टोटल वॉल्यूम ऑफ 13 होल्स इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, तो किसके बराबर हो जाएगा, तो आपका सॉइल रिक्वायर्ड टू मेक और रोड, ये इसके बराबर होगा जाएगा। और वो कितना रिक्वायर्ड है, तो 200 जो है वो मीटर क्यूब जो है इतना रिक्वायर्ड है, मतलब इतना ही जो है उसको चाहिए। तो यही वॉल्यूम जो है आपका इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ से आपको लेंथ कितना हुआ 14, ब्रेथ कितना हुआ है 8, एंड आपका हाइट कितना हुआ है ये पता नहीं है, और 3 जो है वो आपका गड्ढा है, ये इसके बराबर हो जाएगा। इतना ही आपका जो है मिट्टी होगा और ये जो है मिट्टी इसके बराबर हो जाएगा। आप यहाँ से h की वैल्यू निकालोगे तो आपको आ जाएगा यहाँ से 30 इंटू 14 इंटू 8, यहाँ 1010 कैंसिल, आप इसको 13 से कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 18, और अगर आप इसको ये 14 से कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 18, और फिर आप इसको 6 से कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 6, ये आप कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4। तो आपका हाइट मिल गया आपका 3/4, इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 0.75 जो है वो आपका मीटर आ जाएगा। हाइट इज इक्वल्स टू 0.75 मीटर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका आंसर में है वो आंसर जो है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, और इसको आप कैंसिल ये जो है चेंज करोगे तो मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से जो है वो इनटू करना पड़ेगा। तो 0.75 मीटर इज इक्वल्स टू 0.75 इंटू 100 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका हाइट क्या निकल जाएगा, जो कि आपका जितना जो है वो आपका गड्ढा खुदाएगा वो आ जाएगा। तो द डेप्थ ऑफ ईच होल्स इज 75 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आपका आंसर 75 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, बस आपको समझना है ये सब क्वेश्चन में कि हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और फॉर्मूले को के ऊपर पुट करके आपको आंसर जो है वो सॉल्व कर देना है। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। इफ 64 वाटर फिल्ड बकेट्स ऑफ इक्वल मेजरमेंट आर टेकन आउट फ्रॉम अ क्यूबिकल वाटर फिल्ड टैंक, देन 1/3 ऑफ वाटर रिमेन इन द टैंक। इफ द लेंथ ऑफ वन एजेज ऑफ अ टैंक इज 1.2 मीटर, then let us calculate and write the quantity of a water that can be hold in each bucket. Means इसमें क्वेश्चन क्या बोला गया है कि आपका जो है एक टैंक है, उसमें से हम क्या किए हैं, तो 64 बकेट जो है वो वहाँ से वो 64 बकेट जो है वो आपका निकाले हैं पानी। ये क्यूबिकल फिल टैंक है, ठीक है, और इसका जो है वो एक किस फॉर्म में है, तो क्यूबिकल फॉर्म में एक टैंक है जिसमें पानी भरा हुआ है। तो पानी कितना भरा हुआ होगा, तो पानी जो है वो उसके वॉल्यूम के बराबर जो है वो पानी भरा हुआ होगा। उसमें से हम 64 बकेट जो है वो पानी जो है वो निकाल दिए हैं, मतलब 64 इंटू जितना आपका एक बकेट का वॉल्यूम होगा उतना पानी हम निकाले हैं।
और वो बकेट में कितना पानी बचा हुआ है, तो जितना आप उसका वॉल्यूम ऑफ पानी था, जितना पानी था उसका 1/3 जो है वो बचा हुआ है, बाकी सारा पानी जो है वो निकल गया है। तो आपको ये क्वेश्चन मैं समझा देती हूँ कि क्वेश्चन ये एक्चुअली में है क्या। आप ये समझ लो कि ये क्यूबिकल एक बड़ा सा जो है वो आपका टैंक है, ये यहाँ से क्यूबिकल बन गया ये टैंक, ये थोड़ा बहुत क्यूबॉइडल नज़र आ रहा है, तो इसको जो है थोड़ा क्यूबिकल बना लो। ये क्यूबिकल टैंक है और इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। और इसका जो एजेज है वो कितना बोला गया है, तो इसका एजेज 1.2 meter जो है इसका एजेज है, तो यहाँ पे एजेज इसका हो गया 1.2 meter, ठीक है। इसमें जितना पानी अटेगा उसका जो है वॉल्यूम कितना होगा, पहले तो हम देख लेते हैं कि इसमें पानी कितना अटेगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये क्या हो जाता है, ए का क्यूब, ये ए इज इक्वल्स टू ए हो जाता है आपका साइड ऑफ, आप इस तरह से कह सकते हो एजेज ऑफ अ क्यूब या साइड ऑफ अ क्यूब। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल्स टू 1.2 का क्यूब। तो यहाँ पे इसका 1.2 का क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपको 1.728 meter cube, इतना जो है आपका इसका वॉल्यूम आ जाएगा। अगर ये वॉल्यूम आया है, ठीक है, अगर ये द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन अ क्यूब इज 1.728 meter cube, हमारा कितना पानी है ये पूरे टैंक में, तो हमारे पूरे टैंक में जो है 1.728 meter cube जो है वो पानी है। अब ये पानी से जो है वो 64 बकेट जो है हम निकाल दिए हैं, ठीक है। तो जितना एक बकेट का वॉल्यूम होगा उतना से अगर आप 64 को इंटू कर दोगे उतना ही पानी वॉल्यूम आपका जो है वो पानी निकला हुआ रहेगा, और वही किसके बराबर हो जाएगा, तो जितना पानी जो है वो आपका इतना पानी है और आपका 1/3 पानी ही बचा हुआ है, तो आपका इसका मतलब 1/3 ही बचा हुआ है, तो कितना 1/3 इसका कितना होता है, तो यहाँ पे लिख लो आप 1/3 of volume of a cube, 1/3 इसका क्या हो जाएगा, तो 1.728/3 meter cube। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये निकल जाएगा हमारा 0.576, मैं ये कैलकुलेट करके रखी हूँ, आप लोग कैलकुलेट कर लेना, मीटर क्यूब। तो यहाँ पे 1/3 आपका ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, तो 0.576 meter cube। तो ये जो है पूरा का पूरा पानी जो है वो, ये पूरा पानी इस जो है वो क्यूबिकल टैंक में है और ये 1/3 जो है वो बचा हुआ है, तो इतना है इतना बचा हुआ है, तो निकला कितना है, द वॉटर वॉटर टेकन आउट फ्रॉम द क्यूबिकल बॉक्स इज इक्वल्स टू कितना पानी निकाला गया, जितना पानी था और जितना मतलब पूरा जो है पानी है और जितना बचा अगर आप उसको माइनस कर दोगे तो वही आपको निकल जाएगा टोटल वाटर माइनस रिमेनिंग वाटर, ठीक है। तो ये निकल जाएगा आपका पूरा का पूरा था कितना 1.2
8 meter 1.728 meter cube माइनस 0.576 मीटर क्यूब, इतना जो है पानी पूरा था और 1/3 बचा हुआ है, तो कितना निकल गया है पानी, तो आपका पानी निकल गया है, आप इसको माइनस कर दोगे तो आपका निकल जाएगा 1.152 मीटर क्यूब, इतना पानी जो है आपका निकाला गया है, ठीक है। इतना पूरा का पूरा पानी था और इतना जो है वो आपका बचा हुआ है, तो इतना पानी जो है वो निकाला गया है। यही पानी जो होगा वो हमारा जो है वो बकेट जो है वो के वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरह से कर दोगे कि लेट मान लो इस तरह का ये बकेट है, ठीक है, इसे इस छोटा छोटा बकेट से आपका निकाला गया है। लेट एजेस ऑफ अ बकेट बी, सुनो सॉरी ये एजेस नहीं होगा, मतलब ये कितना है, ये पानी जो है ये बचा, ये यही पानी जो हम निकाले हैं, तो जितना आपका वॉल्यूम होगा एक, आपको क्या पूछ रहा है कि कितना जो है वो एक बकेट में पानी जो है वो क्वांटिटी ऑफ पानी जो है वो एक एक बकेट में भर सकता है, तो आपका लेट वॉल्यूम ऑफ अ बकेट बी वी टू, आपका वी टू जो है वो एक बकेट का जो है वो वॉल्यूम है, और ये पूरा का पूरा द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर टेकन आउट बाय द हेल्प ऑफ बकेट इज इक्वल्स टू, पूरा का पूरा इतना तो है एक बकेट का वॉल्यूम, और आपका 64 बार आपका निकाला गया है, तो इतना पानी निकाला गया, और इतना पानी किसके बराबर है, तो 1.52 मीटर क्यूब के बराबर है बाई क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसी के बराबर है। तो यहाँ से वॉल्यूम हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा निकल जाएगा 1.152 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 64। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.018 मीटर क्यूब, ये आपका इतना जो है वो वॉल्यूम ऑफ पानी जो है वो एक बकेट में जो है वो आटेगा, ठीक है। आपको आंसर में इसमें लीटर में दिया हुआ है, तो 1000 लीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब, ठीक है, इससे जो है वो इनटू करना पड़ेगा यहाँ पे, तो वी टू आ जाएगा आपका 0.018 मीटर क्यूब इंटू 1000, यहाँ से आ जाएगा 18 लीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो द वॉल्यूम ऑफ आ जाएगा यहाँ से द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट कैन बी होल्ड इन ईच बकेट इज 18 लीटर, ये आपका हो जाएगा आंसर, 18 लीटर जो है वो बकेट जो है वो आपका स्टोर करेगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। इफ द लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ वन पैकेट ऑफ वन ग्रॉस मैच बॉक्स आर 2.8 डेसी सेंटीमीटर, 1.5 डेसी सेंटीमीटर एंड 0.9 डेसी सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, देन लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स। वन ग्रॉस इज इक्वल्स टू 12 डजन, बट इफ द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ अ वन मैच बॉक्स बी 5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर, देन लेट अस कैलकुलेट द हाइट ऑफ इट। यहाँ पे आपको वन पैकेट ऑफ वन ग्रॉस मैच का जो है वो लेंथ ब्रीथ एंड हाइट दिया हुआ है, और वन ग्रॉस इज इक्वल्स टू 12 डजन जो है वो आपका 12 दर्जन जो होता है आपका मैच बॉक्स होगा, तो आपको वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स जो है वो कैलकुलेट करना है, और उसके बाद आपको हाइट ऑफ इट, आपको वन मैच बॉक्स का हाइट जो है वो फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं कि हम इसको कैसे जो है वो फाइंड आउट करेंगे।
कौन सा क्वेश्चन है, 16 है, यहाँ से ही आ गया कि वर्डल फॉर्म इसमें जो इसका लेंथ है वो 2.8 डेसी सेंटीमीटर है, ब्रीथ जो है वो 1.5 डेसी सेंटीमीटर है, एंड हाइट जो है वो 0.9 डेसी सेंटीमीटर जो है वो है। ठीक है, तो यहाँ से आप वॉल्यूम ऑफ यहाँ से आप वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ अ मैच बॉक्स ये आपको क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ के बोर्ड क्या हो जाता है, लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट। जो भी मैच बॉक्स होगा वो जो होगा वो क्यूबॉइडल फॉर्म में होगा, तो लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट जो है वो आपका मैच बॉक्स हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ अ मैच बॉक्स ये आपका क्या निकल जाएगा, तो यहाँ से लिख लोगे तो ये हो जाएगा 2.8 into 1.5 into 0.9, इसको आप इंटू करोगे तो ये निकल जाएगा 3.78 डेसी सेंटीमीटर का क्यूब, ये आपका वॉल्यूम ऑफ अ मैच बॉक्स निकल जाएगा। अब आपको क्या करना है कि वन ग्रॉस मैच बॉक्स का ये निकल जाएगा, उसके बाद वन ग्रॉस इज इक्वल्स टू आपका कितना हो जाता है, तो वन ग्रॉस इज इक्वल्स टू आपको 12 dozen हो जाता है। तो एक डजन में कितना होगा, एक डजन इज इक्वल्स टू 12 मैच बॉक्स हो जाएगा। यहाँ आपको कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स। ठीक है, तो एक मैच बॉक्स में आपका कितना हो जाएगा, एक पैकेट ग्रॉस बैग्स है तो इसमें वन मैच बॉक्स में कितना हो जाएगा, इन वन पैकेट आपका 144 जो है मैच बॉक्स जो है वो होगा, क्योंकि एक में जो है वो 12 dozen होता है और एक दर्जन में 12 मैच बॉक्स होगा। तो वॉल्यूम यहाँ से आप निकाल दोगे तो वॉल्यूम ऑफ अ वन पैकेट, वो वन पैकेट का था, वन पैकेट ऑफ मैच बॉक्स इज इक्वल्स टू 3.78 डेसी सेंटीमीटर स्क्वायर था। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको क्या करोगे कि द वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स निकालोगे, ये तो 144 का निकल गया, एक पैकेट का निकल गया, द वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 3780, और जो है ये सबको जो है आप इज इक्वल्स टू 144, यहाँ पे 3.4 को जो है वो वन मीटर इज इक्वल्स टू 10 डेसी सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इसको आप इनटू कर दोगे तो ये आपका यहाँ पे निकल जाएगा। इसको आप फाइंड आउट करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी द वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स इज इक्वल्स टू 26.25 सेंटीमीटर। मैं इसको सॉल्व करके रखी हूँ, ये सॉरी ये मीटर में नहीं, ये सेंटी में, देखो मिली सेंटी डेसी मीटर,
तो ये आपको किस में निकल गया है, तो सेंटीमीटर में निकल गया है। तो यहाँ से आपका जो है वो सेंटीमीटर में हो जाएगा। इसको मैं चेंज कर दी थी, 100 कर दी, तो ये सेंटीमीटर में आ गया। तो यहाँ से आपको ये सेंटीमीटर निकल गया ये। फिर उसके बाद क्या हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स निकल गया। ठीक है, अब आपका लिखा हुआ है कि लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ, ये पैकेट का, पूरा पैकेट का ये था आपका वॉल्यूम ऑफ, देखिए पूरा पैकेट का वॉल्यूम ये था। एक पैकेट में 144 मैच बॉक्स है, तो वॉल्यूम ऑफ एक मैच बॉक्स है वो इतना होगा। अब लेंथ एंड ब्रीथ जो दिया हुआ है, ब्रीथ ऑफ अ मैच बॉक्स वो आपका दिया हुआ है, एल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, बी जो दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, और आपको हाइट जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ईच, ये है लेंथ ऑफ ईच मैच बॉक्स इतना, ब्रेथ ऑफ ईच मैच बॉक्स इज इक्वल टू इतना, हाइट हम ले लेते हैं, लेट हाइट ऑफ ईच मैच बॉक्स। आप देखे होगे ना कि आप सिलाई का जो है वो, आप मैच बॉक्स खरीदने जाते हो तो वो डब्बे टाइप रहता है, तो क्या होता है कि आप जो है वो एक एक कभी खरीदते हो, एक पैकेट खरीदते हो, तो ये जो पूरा डब्बा है पैकेट है उसका जो है लेंथ ब्रीथ और हाइट दिया हुआ था। तो जब हम वॉल्यूम निकालेंगे वन पैकेट का तो ये निकल जाएगा। उसके बाद एक में जो है 144 था, तो एक का वॉल्यूम आपका ये निकल गया। अब आपका दिया हुआ है कि हर एक का जो है वो हाइट कितना होगा, अगर लेंथ ब्रीथ और हाइट ये जो है वो हमें पता नहीं है, तो लेंथ ब्रीथ हमें पता है, तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा कि आपको हाइट आप ले लो तो हाइट आपका हो जाएगा x। ठीक है, हाइट आपका कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ईच मैच बॉक्स ये निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ ईच मैच बॉक्स इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, तो इसको लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, लेंथ आपका 5 दिया हुआ है, ब्रीथ आपका 3.5 दिया हुआ, और एच हमने एक्स ले लिया, तो वॉल्यूम ऑफ ईच मैच बॉक्स ये आपका क्या निकल जाएगा, 1.75x। ठीक है, 1.75x ये हमारा वॉल्यूम ऑफ ईच मैच बॉक्स निकल के जाएगा। अब हमारा जो है वो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ आपका, वॉल्यूम ऑफ ईच मैच बॉक्स हो गया। अब एक मैच बॉक्स में कितने जो है वो, एक पैकेट में कितने हैं, तो 144 है, तो वॉल्यूम ऑफ 144 मैच बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 1.75x इंटू 144, और ये वॉल्यूम जो है पूरा पैकेट का वॉल्यूम कितना आया था, तो 3750 आया था। तो बाई क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ 144 मैच बॉक्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट, तो वॉल्यूम ऑफ इतना कितना आ गया, तो 1.75 इंटू 144 ये एक्स था 3500। ठीक है, इसको एक्स को सॉल्व करने के लिए 3750 अपॉन 1.5 इंटू 144, इसको आप सॉल्व कर दोगे और काटोगे तो आपका, मैं काट चुकी हूँ और आप लोग जो है वो थोड़ा इसका काट लेना, तो ये आ जाएगा हाइट ऑफ द मैच बॉक्स इज इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर। इसमें क्या है कि एक पैकेट दिया हुआ है और एक पैकेट में आपका वन ग्रॉस जो है वो आपका मैच बॉक्स है,
वन ग्रॉस मतलब 144 मतलब 12 दर्जन जो है, और एक दर्जन इज इक्वल्स टू 12 मैच बॉक्स होता है, मीन्स एक पैकेट में आपका 144 मैच बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पे आपका लेंथ ब्रेथ एंड हाइट पैकेट का दिया हुआ है, उससे आपका पूरा वॉल्यूम निकल जाएगा कि पूरा वॉल्यूम क्या होगा। फिर उसके बाद आप क्या करोगे कि एक का निकालना है कि हाइट क्या होगा, तो जितना आपका 144 का वॉल्यूम होगा आपका, वो आप जैसे जिसका एक का जो वॉल्यूम होगा उसको उसका इनटू आप 144 से कर दोगे, और वही बराबर होगा पूरा वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट का, और उसकी हेल्प से आप जो है वो हाइट ऑफ अ वन मैच बॉक्स जो है वो बहुत ही इजीली तरीके से आप निकाल सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम